नमस्कार सिटीजन्स वॉइस में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक संतोष पाल। एक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विवादित बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने किया गिरिराज सिंह को तलब, कहा बेवजह ना दे कोई बेतुका बयान। राजस्थान चुनाव आयोग ने जारी की सूचना, 18 अप्रैल से पहले होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा के निगम चुनाव। पीसीएस अध्यक्ष ने की साधु संतों से मुलाकात, योगी सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर राजस्थान चुनाव आयोग ने सूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि आगामी 18 अप्रैल 2020 से पहले जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम के चुनाव होंगे। साथ ही 29 फरवरी 2020 से पहले निगम चुनाव की वार्ड आरक्षण लॉटरी निकालने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। पीसीएस के अध्यक्ष शिवपाल यादव देर रात अयोध्या पहुंचे और साधु संतों से मुलाकात की, साथ ही कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट में संतों को ना शामिल किया जाना संतों का अपमान है, क्योंकि अयोध्या के संतों ने ही राम मंदिर निर्माण के लिए मांग रखी थी, अतः उनकी उपेक्षा करना संतों का अपमान करना है। गोरखपुर से अयोध्या पहुंची प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि 2022 में प्रदेश की सभी सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सरकार में शामिल होगी। पुलवामा हमले में शहीद हुए रामपुर के जवान को लोगों ने याद किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। जवान कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के समय सब इंस्पेक्टर मोहनलाल के गायब होने की सूचना मिली थी। सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी रोड पर गश्त में थी, लेकिन हमले के बाद उनकी लोकेशन नहीं मिली। बाद में जवान का शव पुलवामा हमले में मिला तो सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उनके शहीद होने की पुष्टि की। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर मोहनलाल सीआरपीएफ के रामपुर ग्रुप सेंटर की 110वीं बटालियन कश्मीर में तैनात थे। रामपुर सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर मोहनलाल जो पुलवामा हमले में विगत साल शहीद हुआ, उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, शत शत नमन। और हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। सीआरपीएफ के जवान इतनी ठंड में, इतने बर्फ में संघर्ष करते हैं अपने देश के लिए, उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हमारा देश ऐसे वीरों पर, ऐसे योद्धों पर गर्व करता है। हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम उनके परिवारों को सांत्वना देते हैं और हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। आपको बता दें कि पाटन प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का फाइनल मैच वहां खेला गया, जिसमें पटपड़िया की टीम विजेता तथा पैंथर क्लब टीम उपविजेता रही। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय कालू गुर्जर के स्मृति में 5 फरवरी से आयोजन शुरू किया गया था। फाइनल मैच में पटपड़िया की टीम ने जोरदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए पैंथर क्लब टीम को 45 रनों से करारी शिकस्त दी, साथ ही पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए की राशि दी। बच्ची माँ के लिए वरदान होती है, लेकिन लोगों के लिए वो केवल मजाक बन जाती है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला शाहबाद इलाके में, जहां कूड़ेदान में एक बच्ची दिखाई दी। लोगों ने आशंका व्यक्त की कि कोई अपने कुकर्म को छिपाने के लिए किसी ने इस तरह नवजात बच्ची को जन्म के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया। फिलहाल बालिका को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसको एक युवक ने गोद लेने की इच्छा व्यक्त की है। हम लोग धूप में खड़े हुए थे तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। कूड़ेदान में देखा तो वो एक बच्ची थी पड़ी हुई, उसको हम लोगों ने निकाल लिया है। उसके बाद में पुलिस को सूचना की है, अब अस्पताल आए हैं इस बच्ची को दिखाने और हम उस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। हरदोई के संडीला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हर वर्ग आज सरकार से परेशान है, किसान हताश निराश है और किसानों के लिए सरकार को किसान आयोग का गठन करना चाहिए। किसान दुखी है, इसी कारण से वह आत्महत्या कर रहा है। सरकार इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही है। आज आवारा पशुओं से फसलें नष्ट हो रही हैं, इससे निपटने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। यूपी में योगी राज के सख्त निर्णय कोई भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर घटना मथुरा से सामने आई, जहां अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट रोड को 1 घंटे तक जाम किया, साथ ही पुलिस लाइन को भी बंद कर दिया। मामला बढ़ता देख सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने उनसे बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि ढाबे पर खाना खाने गए अधिवक्ता भूपेंद्र ठाकुर पर ढाबा मालिक और उसके गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया।
जिसके बाद अधिवक्ताओं ने अपने साथ घटी घटना की तहरीर थाना छाता में दर्ज करवाई। पुलिस ने वकील पर जानलेवा हमले के आरोपियों को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन धारा 354 के तहत अधिवक्ता पर ही मामला दर्ज कर दिया, जिस कारण से यह मामला बढ़ा। मुरादाबाद में शादी का एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां पुलिस निगरानी में एक हिंदू युवती और मुस्लिम लड़के की शादी की रिसेप्शन पार्टी करवाई गई। आपको बता दें कि शादी से घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस शादी पर आपत्ति जताई और विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसका विरोध कर रहे करीब 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक बार फिर पर्यावरण को बचाने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। असम के बैचलर की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने 1 जनवरी से पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए पदयात्रा शुरू की। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले थाने में फूल भेंट कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। पदयात्रा के 45 दिन बाद स्काउट और छात्र गौरीशंकर कलिता पहुंचे और उन्होंने बताया कि असम के गुवाहाटी से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक जाकर राष्ट्रपति को फूल का पौधा देकर उनसे हो रहे वृक्ष कटाव और पर्यावरण प्रदूषण को रोकवाने के लिए ज्ञापन देंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान ने तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इसका आरोप तत्कालीन इंस्पेक्टर शक्ति सिंह पर लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के रहने वाले किसान अनंत प्रताप मृतक की भाभी और उनकी दोनों बेटियों ने खुले तौर पर कहा कि इंस्पेक्टर शक्ति सिंह उन्हें काफी समय से परेशान कर रहे थे और उनके ऊपर कई फर्जी मुकदमे लगाए थे, जिस कारण से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अयोध्या में पुलिस की लापरवाही के चलते एक 14 वर्षीय बालिका ने आत्महत्या कर ली। एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का वीडियो के वायरल होने से परेशान होकर के ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। लड़की की मां का आरोप है कि बेटी से हुई दरिंदगी की सूचना कुछ दिन पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को लिखित रूप में दी गई थी, लेकिन अयोध्या कोतवाली तक प्रार्थना पत्र नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा दुष्कर्म पीड़िता लड़की को जान देकर चुकाना पड़ा। आरोप यह भी है कि मनपर रैपिस्ट युवक वीडियो दिखाकर लड़की से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। फिलहाल SSP आशीष तिवारी ने आरोपी 500 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कामा कस्बे में दबंगों के डर से एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। दबंग लोगों द्वारा उसके रिहायशी मकान को JCB से कई जगह से क्षतिग्रस्त करवाया गया, जिसके चलते उनका मुख्य दरवाजा बंद हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लोग भय के साए में जी रहे हैं। तो वहीं उच्च अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार भरतपुर जिला कलेक्टर व भरतपुर पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत जाकर मिले और लिखित में अपनी शिकायत दी, जिसके बाद भी अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दबंगों के डर की वजह से पीड़ित परिवार पलायन करने को मजबूर हो रहा है। सही रूप में कहा जाए तो प्रशासन अपने काम से पूरी तरह से बच रहा है, केवल पद पर बैठकर अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें सिटीजन्स वॉइस। नमस्कार।